अगर आपको भी बूस्टर डोज के लिए कॉल आ रही है तो उस पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। हमने पहले भी बताया आपको कि ये हरियाणा में कई जगह हो रहा है, क्योंकि इन दिनों साइबर ठगों ने ठगी का एक नया पैंतरा आजमा लिया है। साइबर ठग बूस्टर डोज के बहाने ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे, कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए बहुत गहराई से समझिए। आज के इस डिजिटल जमाने में साइबर ठग ठगी के लिए नए से नए पैंतरे आजमा रहे हैं। समय के साथ साथ साइबर ठग अपने ठगी के पैंतरों को बदल भी रहे हैं। अब इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि देश भर में कोरोना से बचने के लिए बूस्टर डोज अभियान की शुरुआत हुई है। साइबर ठगों ने ठगी के लिए बूस्टर डोज अभियान को अपना हथियार बना लिया है। दरअसल देश भर में बूस्टर डोज लगवाने के नाम पर हो रही ठगी के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने भी समय रहते एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। बूस्टर डोज के लिए कॉल कोई भी विभाग की तरफ से नहीं की जाती, एक मैसेज जरूर जाता है कि आपको बूस्टर डोज ड्यू है और आप अपनी इस जगह या इस सेंटर पर आकर अपनी या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बिल्कुल केसेस ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सी जगह शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसलिए विभिन्न जिलों के पुलिस कप्तान ने ये इंस्ट्रक्शंस जारी करी हैं कि अगर आपको कोई बूस्टर डोज के लिए कॉल करता है, रजिस्ट्रेशन के लिए कहता है और OTP मांगता है तो ना दें। उसी को देखते हुए भी हमने भी ये डायरेक्शंस जारी करी हैं। पहले तो साइबर ठग बूस्टर डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर मोबाइल पर OTP भेजते थे। साइबर ठग कॉल करके OTP पूछते हैं। साइबर ठगों के पास जैसे ही OTP नंबर जाता है, साइबर ठग खाते से सारे पैसे निकाल लेते हैं और इस तरह से बूस्टर डोज लगवाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया जाता है। अपील इसलिए जारी की है क्योंकि कुछ जिलों में और कुछ देश के हिस्सों में ऐसा रहा है, लोगों से इस बारे में फाइनेंशियल इश्यूज को लेके फ्रॉड हुए या उनके पैसे निकाल लिए गए हैं। अभी तक गुड़गांव में ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी या कोई बूस्टर डोज पर OTP मांग कर किसी से कुछ ऐसा किया गया हो, लेकिन सावधानी पूर्वक हमने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब तक तो आप ये बात समझ ही चुके होंगे कि वैक्सीनेशन अभियान के नाम पर कैसे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर उनको आर्थिक चपत लगाई जा रही है। हालांकि गुरुग्राम जिले से अब तक बूस्टर डोज के नाम पर साइबर ठगी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों से खास अपील की है कि ऐसे किसी भी फोन कॉल पर विश्वास न करें, क्योंकि बूस्टर डोज के नाम पर प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का OTP नंबर नहीं मांगा जाता है। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।